इतिहास के पन्नों में कई कहानियां गुमनाम हो जाती हैं या फिर उन्हें वो नाम नहीं मिल पाता जिसके वो हकदार होते हैं। इतिहास की इन्हीं भूली बिसरी यादों को कुरेदते हुए इस कड़ी में आज बात एक ऐसे देशभक्त की जिसने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। अंग्रेजों की यातनाएं सही, बार बार जेल काटी, लेकिन स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का रास्ता नहीं छोड़ा। ऐसे ही एक महान देशभक्त हुए अमर सिंह जोबन। अमर सिंह का जन्म 1910 अगस्त महीने में तत्कालीन भारत के शालकोट में हुआ था। यह स्थान वर्तमान समय में पाकिस्तान में चला गया है। अमर सिंह जोबन के पिता का नाम गंगा सिंह था। वे महान स्वतंत्रता सेनानी थे। ज्ञानी अमर सिंह जोबन कूका आंदोलन से बहुत प्रभावित थे। वे कविताएं भी लिखते थे। अक्सर उनकी कविताओं में भगत सिंह का जिक्र होता था। उनकी उम्र 22 साल की थी। अमर सिंह महात्मा गांधी के साथ आजादी के आंदोलन में कूद पड़े। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। इस कारण 1930 में 3 महीने की जेल हुई। भगत सिंह की शहादत पर जून 1931 को उन्होंने एक बड़ी सभा का आयोजन किया, जिससे अंग्रेजी सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। इन्हें 4 महीने की सजा हुई। 1937 में उन्होंने अंग्रेजी वस्त्रों की होली जलाई, जिससे अंग्रेजी सरकार ने उन्हें जेल में डाल दिया और 3 माह कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके बाद सरकार विरोधी गतिविधियों का शक होने पर उन्हें फिर से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया और काफी समय तक बंदी रखा। एक बार एक अंग्रेज अफसर ने इन पर हमला कर दिया। वो अफसर अमर सिंह की तलवार के एक ही वार में ढेर हो गया। ज्ञानी अमर सिंह जोबन लुधियाना के भैणी साहिब पहुंचे और लगभग 6 साल तक वहीं पर भूमिगत तौर पर काम करते रहे। इधर तहकीकात तो खूब हुई, लेकिन किसी ने कोई जानकारी नहीं दी। अंग्रेजी शासन को कुछ छात नहीं लगा। ज्ञानी जी 1947 में अमृतसर से मुरादाबाद होते हुए दिल्ली आ गए और फिर यहीं बस गए, जहां वो आजीवन सामाजिक कामों में लगे रहे।